आज हम उन फिजियोलॉजिकल टर्म्स की बात करेंगे जो कि हमारे स्पोर्ट्स में हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी क्या है? ग्रीक एनाटॉम मीन्स डिसेक्शन और क्लासिफिकेशन। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि एनाटॉमी भी हमारे फिजिकल एजुकेशन और अदर सब्जेक्ट्स की जैसा ही एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, शेप साइज़ क्या है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। सेम वे इट इज़ ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक फिजिसिस एंड लोगिया। फिजिसिस मीन्स नेचर ऑरिजिन एंड लोगिया मीन्स स्टडी ऑफ। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स विच वर्क विद इन अ लिविंग सिस्टम। यानी कि ये भी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग सिस्टम्स और बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स का वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारी टर्म्स हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जनरली बच्चे टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी में कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मेन ये दो ही टर्म्स यूज़ की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। यानी कि हवा की वो मात्रा जो हम नॉर्मल सांस लेने में इनहेल करते हैं और उतने ही अमाउंट हम एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट हम इज़ वाइटल कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ ब्रीद आउट बाय फोर्स एक्सपायरेशन आफ्टर अ डीप ब्रीथ। यानी कि डीप ब्रीदिंग के बाद, लंबी सांस के बाद, हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर या हवा की कितनी मात्रा बाहर छोड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी हवा अंदर लेते हैं उतनी ही बाहर छोड़ें। तो वाइटल कैपेसिटी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है टाइडल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो कई बार हमारे लंग्स में कुछ हवा की मात्रा रह जाती है जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल मेल में इसकी जो मात्रा है वो होती है 4800 cc और फीमेल में है 3100 cc। नेक्स्ट हम हमारे रिलेटेड हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सबसे पहले है हार्ट रेट, द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ पंपिंग बाय द हार्ट इन वन मिनट। कहने का मतलब है कि एक मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है। और नॉर्मल इंडिविजुअल में हम अगर देखें तो इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 66 से लेकर 72 bpm। bpm यानी कि बीट्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है। और अगर यहीं पर हम बात करें ट्रेंड एंड्योरेंस एथलीट की, तो उसमें ये मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के बाद अपने आप को काफ़ी इस लायक कर लेता है और इतना मजबूत कर लेता है, तो उसकी रहती है 40 bpm। नेक्स्ट हम स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम शॉर्ट में SV भी लिख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट पर बीट। एक बीट में हार्ट कितना जो हमारे खून की मात्रा है वो हार्ट से पम्प आउट होती है। जनरली ये दोनों वेंट्रिकल्स की बात होती है, बट जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो जनरली हम मेंशन करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेकिन जो हमारा ब्लड की मात्रा होती है वो दोनों वेंट्रिकल्स लेफ्ट और राइट दोनों से ही बाहर जाने की मात्रा को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं लेफ्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट हम इस कार्डियक आउटपुट, तो इन शॉर्ट इसको हम लिख सकते हैं CO। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ HR एंड SV। यानी कि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट मिला के हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट हमारी टर्म कंटिन्यू रहेगी रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर। ये काफ़ी मेन टर्म है हमारे स्पोर्ट्स में जो जनरली हम यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क या कोई भी स्टडी करते हैं एथलीट्स पे, तो इसको हम जरूर कंसिडर करते हैं। अब ये क्या होता है? द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं उसमें ब्लड के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है वो हमारा होता है ब्लड प्रेशर। और इसको हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं MMHg। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है वो हमारा मैक्सिमम प्रेशर हम कहते हैं उसको, और अदर टर्म्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है और इसको
हायर रेंज भी हम कह सकते हैं, अपर रेंज भी कह सकते हैं, और ये एवरेज इसकी होती है 120 mmHg। दूसरी जो हमारी टर्म है वो है डायस्टोलिक, यानी कि मिनिमम प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स बाय द ब्लड, और इसको हम दूसरी टर्म्स में और दूसरे वे में रिलैक्सेशन फेज भी कह सकते हैं और लोअर रेंज भी कह सकते हैं। और इसकी जो लोअर रेंज है वो होती है 80 mmHg। जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हम दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, हाई रेंज और लोअर रेंज। नेक्स्ट हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है ऑक्सीजन डेप्थ एंड सेकेंड विंड। ऑक्सीजन डेप्थ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एन एथलीट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड आफ्टर स्ट्रेनियस वर्कआउट, यानी कि ये ऑक्सीजन की वो अमाउंट है जो हम कभी भी स्ट्रेनियस या हार्ड वर्कआउट करते हैं तो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, यानी कि हम इन्वायरमेंट से उधार लेते हैं। जनरली जब हम सांस लेते हैं तो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है, लेकिन जब भी हम किसी स्ट्रेनियस या हार्ड वर्कआउट में इन्वॉल्व होते हैं तो हम एनवायरनमेंट से कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बोरो करते हैं या कर्ज में लेते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑक्सीजन डेप्ट। शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारी जो ऑक्सीजन की भरपाई होती है वो तुरंत हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ की या मैराथन की तो हमारा जो ऑक्सीजन डेप्ट की या जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो भरपाई करने में हमें काफ़ी घंटे और काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। नेक्स्ट टाइम है हमारा सेकेंड विंड, द एथलीट इज़ आउट ऑफ ब्रीथ एंड टायर्ड टू कंटिन्यू द एक्टिविटी, दिस फीलिंग विल डिसअपियर आफ्टर फ्यू मोमेंट्स देन एथलीट गेन्स सेकेंड विंड। ये सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ी टर्म्स नहीं है, इसको साइंटिफिक टर्म दे दिया गया है सेकेंड विंड का। जब हम यहाँ पर मैं बात करूँगी बिगनर्स की, जब कोई भी बिगनर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसको कभी कभी फील होता है कि मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, या पेट के लेफ्ट और राइट में कभी कभी उसको पेन भी फील होता है, लेकिन बिना छोड़े एक्टिविटी अगर वो कंटिन्यू वर्कआउट करता रहेगा तो आप को लगेगा कि हाँ कुछ देर के बाद ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो गए हैं या चले गए हैं, और अभी वो जो बच्चा दौड़ रहा है या उसने एक्टिविटी स्टार्ट की है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। नॉर्मल कंडीशन में आने का ये प्रोसेस या जो ये अवस्था है उसको हमने एक नाम दे दिया है सेकेंड विंड, यानी कि नाउ ही इज़ नॉर्मल एंड ही इज़ एबल टू कंटिन्यू द वर्कआउट। इस फिनोमिना को हमने कंपेयर किया है रनर्स हाई से। रनर्स हाई भी सेम फिनोमिना है, बट ये टर्म्स हमने यूज़ की है एडवांस एथलीट्स के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।